हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है, तो अभी तो आज अखबार में पढ़ रहा हूँ मैं, 7 दिन का अभी ऑरेंज नहीं येलो अलर्ट है, तो अभी तो और 6-7 दिन बारिश चलेगी। तो और दूसरा, मेरा बाल बड़े हो गए हैं, आज मुझे बाल कटवाने जाना है। अभी देखता हूँ बाहर, अगर नाई की दुकान पर आ गया होगा, पास में ही है मेरे नाई की दुकान, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर वो आ गया होगा तो बाल कटवा के आते हैं वहाँ से। तो नाई के पास बाल कटवाने गया था, नाई की दुकान खुली नहीं है, इतनी बारिश में कौन दुकान खोलेगा। तो मैं नहा लिया हूँ आके, अब बाल तो कटवाए नहीं, कल देखते हैं या शाम तक देखते हैं अगर खुलेगी तो। तो दोस्तों, अब बारिश वारिश रुक गई है और धूप निकल आई है, मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अमरूद कल लाए थे वो पड़े हैं तो वो खा रहे हैं, और अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, कुछ काम धाम तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कौन रोटी देगा। तो दोस्तों, बारिश इतनी हुई है कि देखो, छोटे मोटे नाले सब उफान पे हैं, नदियाँ उफान पे आ गई है, तो नालों का क्या है, और कीचड़ कीचड़ हो गया है, और चारों तरफ इतनी शांति हो गई है जैसे किसी तूफानी बारिश के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बहुत ही शानदार मौसम हो गया है, इस साल की बारिश ही अब हुई है, मतलब धरती तृप्त हो गई। धरती में जो गर्मी थी, गर्मी के कारण पिछले 3-4-6 महीने में जो गर्मी पड़ी वो सब ठंडा हो गया है और धरती तृप्त हो गई है, पानी पर्याप्त पहुँच गया जमीन के अंदर, तो गर्मियों में भी पानी आएगा, हैंडपम्प वगैरह से पशुओं के पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अभी आ गए हैं, टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, और हमारे भाई से सुरेंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। काय की सब्जी काट रहे सर? ये तुरई की, तुरई की गणेश जी की फेवरेट सब्जी है हमारे, और तुरई की सब्जी आपने छीला है इसको और फिर काट रहे हैं, कितना टाइम लग गया? अरे भाई साहब, घंटा बोल लग गया और अभी तो पकाना हो रहा है इसको, है बिल्कुल देसी तुरई लाया था। हाँ, और छोटी छोटी लाया था, तो इसको छीलने में मैंने धीरे से आराम से छीला है, और उसके बाद मैं काट रहा हूँ। गणेश जी, तो आपकी फेवरेट सब्जी है ना? क्या फेवरेट है, मार्केट में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ मिलती है, तरह तरह की है, कैसे से, और ये लेके आए हैं। क्या अच्छी नहीं लगती है तुरई? क्या अच्छी लगती है तुरई? बहुत शानदार सब्जी बनती है, और मौसमी सब्जी, अभी बरसात में तुरई से अच्छा क्या होगा? अरे क्या खाएंगे, गधे घासी खाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब 3 बजे मैंने खाना खाया है और बहुत तीखा लग रहा है यार, और हाँ, ये मेरे कपड़े देखो, मैंने यही सुखा रखे, सूख ही नहीं रहे यार, बारिश ही बारिश चल रही है। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और हम लोग घूमने निकल गए हैं, शाम बोले तो 7 बज रहे हैं, और बाहर निकल गए। भाई श्री सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं, गणेश जी हमारे साथ हैं, और मैं हुई। ये मंदिर है, एक छोटा मंदिर और है, और हम लोग निकल गए इधर। क्या हुआ गणेश जी, ले ली चले? 15 दिन भाई साहब, हम तरने जा रहे हैं भाई, एक मैडम ने पकड़ लेवा। मैडम ने कहा है कि हम भुट्टे दे रही है, तो वो मैडम है हमारे जान पहचान की है, तो हम चल रहे हैं उनके पास भुट्टे लेके आते हैं, सेंकना नहीं है वहाँ, सेंकना नहीं है, हम घर पे लाके सेकेंगे। देखो देखो, हमारे ओवैसी जा रहा है, ओवैसी और असुद्दीन ओवैसी और बकरुद्दीन ओवैसी दोनों है, बकरुद्दीन। तो साथियों, मैं यहाँ पे गणेश जी के साथ, हम दोनों वेट कर रहे हैं, और हेमेंद्र जी चले गए शायद मैडम के वहाँ चाय पीने, वो वहाँ चाय पीने बैठ गए, हमको यहाँ खड़ा करके गए हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है, 10 मिनट तो हो गए, अभी तक तो आए नहीं है वो। हमारे साथ आइए, अभी पकड़ा है कि नहीं, अभी सेका तो नहीं वहाँ पे? ना, मौका नहीं, मौका नहीं मिला। तो खाने के लिए लाए हम चना जोल गरम, चार भागों में बांट दिया है, और उसका आनंद ले रहे हैं हम बैठा ही। दोस्तों, हम जो भुट्टे लाए थे उसको अब गैस पे सेक रहे हैं, और साथ साथ हम खा भी रहे हैं। हमारे सुरेंद्र जी देखे भुट्टे का आनंद ले रहे हैं, दिखा सर, क्या बात है, बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे तो गैस पे सेके हुए अच्छे नहीं लगते हैं यार, लेकिन जो चूल्हे पे या ऐसे उस पे सेकते हैं ना, लकड़ी पे कोयलों पे, वो अच्छे लगते हैं टेस्ट में तो, लेकिन अब मजबूरी है यार, कहाँ भुट्टा है सर, भुट्टा मिल गया जो बड़ी बात है यार, हरे हरे हैं तो अभी खा लेते हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, टाइम आपको अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे रात के, तो ये तो अभी कर लेते हैं यार, फिर बाद में तो किसने देखा, कल तो सूख जाएंगे, कल तो काम भी नहीं आएंगे ये। तो
एक मन तो ये था कि कल हम सारे भुट्टे की पकौड़ी वकड़ी बनाएंगे यूँ, लेकिन फिर वही दिमाग में आया कि कल तो सूख जाएंगे यार, सूखने के बाद तो मज़ा भी नहीं आएगा, इसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा, तो इसलिए उसको पेंडिंग रख दिया हमने। तो आज मैंने वो वेब सीरीज देखी, उसका नाम था, पूरा बंगाली है, देखने लायक है। एक डेथ हो गई है, डेथ क्या हो गई, उसका मर्डर हो जाता है एक व्यक्ति का, उसके पूरी इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ दिया हुआ है। वैसे पूरा है 3 घंटे 32 मिनट का है, 3.5 घंटे का लगभग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 1.5-2 घंटे की फिल्म बन सकती थी, तो थोड़ा लंबा खींच दिया है, लेकिन वन टाइम है, इसको देखने लायक है। अगर आपको मौका मिले, टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है, तो उसको देख लीजिएगा आप, मज़ा आ जाएगा। मतलब देखने लायक तो है ही यार, मज़ा ज़्यादा आ गया है। और अभी क्या टाइम हो गया मैं तो दोस्तों बताता हूँ आपको, अभी टाइम हो गया 10:10 हो चुके हैं और अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो गया दोस्तों। हाँ, आज अथर्व के और उनके कुछ फोटो आए, वो मैंने डाली दिए आगे, आपने देख लिए होंगे। तो बच्चों की बहुत याद आती है, परिवार की बहुत याद आती है, कितना टाइम हो गया यार, 16 साल हो गए अलग रहते रहते। बस ये तो सब लिखा हुआ है, किस्मत का वही है। ठीक है दोस्तों, तो अब गुड नाइट करते हैं, वीडियो को एडिट करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपलोड करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, बाय।